नई कार खरीदकर रीवा के एक परिवार के 6 सदस्य तीर्थ दर्शन करने के लिए निकले थे। ओमकारेश्वर दर्शन के बाद लौटते समय सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार पलटकर पेड़ से जा टकराई। भीषण हादसे में 6 साल की मासूम के साथ उसके पिता और चाचा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चे की माँ और एक 3 साल की बच्ची, एक युवक सुरक्षित है। हादसे के बाद प्रशासन की संवेदनहीनता भी सामने आई। शव वाहन नहीं मिलने से माँ बेटे का शव छाती से लगाकर 13 घंटे तक पति और देवर के शव के पास ही लेटी रही। शाम करीब 4 बजे शव वाहन मिलने पर पोस्टमार्टम कराया जा सका। घटना की सूचना मिलने पर सुबह 11 बजे परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल पहुंच गए। ये दर्दनाक हादसा आशापुर बैतूल हाईवे पर बाराकुंड के पास हुआ। दुर्घटना में जीवित बचा उपेंद्र मिश्रा, पिता अमृत लाल मिश्रा रीवा का रहने वाला है। कुछ महीने पहले ही काम के सिलसिले में वो नागपुर शिफ्ट हुए थे। भाई प्रतीक ने नई कार खरीदी थी, जिसे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए निकले थे। पहले इंदौर होते हुए उज्जैन के महाकाल के दर्शन के बाद ओंकारेश्वर आए। यहां से दर्शन कर खंडवा के लिए निकले। बीच में एक जगह भोजन के लिए रुके और आशापुर बैतूल हाईवे पर रात 3 बजे रोशनी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया कि कार प्रतीक चला रहा था, थके होने से सब नींद में थे। अचानक कार पलटते हुए पेड़ से जा टकराई। इस घटना में चचेरे भाई मोहित उर्फ सुधीर, पिता राजेश मिश्रा, अमृत लाल मिश्रा और मोहित के 6 साल के बेटे युवान की मौत हो गई, जबकि मोहित की पत्नी आभा को मामूली चोटें आई हैं। मोहित की 2 साल की बेटी यशी भी सुरक्षित है। घटना की वजह से गाड़ी चलाते समय नींद आ जाना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।